विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं जब यहाँ पर काली आकर के निवास करने लगे तो सारे वृक्ष यहाँ पर खत्म हो गया। जो कालिया जी कितने जहरीलापन था, कहते फिर ये वृक्ष क्यों यहीं पर रुका। आप लोग ने सुना जब जिस समय गरुड़ जी अपना माता जी को दासीपण से मुक्ति करने लाए थे अमृत को, किसी वृक्ष को ऊपर उन्हें रखा था, उन्हें चार जगह पर रखा, एक नासी, एक इलाहाबाद, एक प्रयाग और यहाँ पर हरिद्वार। इसलिए जिन जिन वृक्षों को ऊपर उन्हें रखा था वो वृक्ष अभी भी ये वृक्ष जिंदा, ये एक कारण। इसका दूसरा कारण कहते हैं, कहते जरूर ये कोई कृष्ण भक्त होगा, क्योंकि नहीं तो सारे के सारे वृक्ष तो खत्म हो गया, ये वृक्ष कैसे रहा। उसका दूसरा कारण कहते हैं ये कोई कृष्ण भक्त था, जो कितना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हुई। मानो ये कोई कृष्ण भक्त था, वो कृष्ण दर्शन लालसा से यहाँ पर ये वृक्ष रूप में यही पर था। जब कृष्ण यही पर गोचारण करते करते कृष्ण आए, उस दिन ताऊ भैया नहीं आए। बोले क्यों, जब कृष्ण विशेष विशेष कोई लीला किया करते थे वो बलदेव प्रभु को नहीं लाते थे, आने पर फिर थोड़ी ये कालिया दमन थोड़ी कर सकते, उन्होंने बलदेव प्रभु को नहीं लाए। फिर उनकी सखा और उनके जो गैया यहीं पर आ करके पानी को स्पर्श करते ही वो सबके सब बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई यहाँ प्रश्न करते हैं, क्या कालिया नाम का सरपति जो जहरीला में इतने ताकत था जो कृष्ण का भक्त लोग बेहोश हो गए। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कर रहे थे, ये 33 करोड़ देवता अमृत कलश लेकर के आए थे, बोले ये अमृत कलश लेकर के ये परीक्षित को पिला दो ये अमर बन जाएगा, लेकिन ये कथा अमृत हमें पिला दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को वहां से खदेड़ दिया, बोले को काच को मणि मान, कहा ये तुच्छ अमृत है जिसको पान करने पर सुकृति खत्म होता है। कृष्ण कथा साक्षात भगवत कथा, ये साक्षात भगवत स्वरूप, भाग जा यहाँ से, कथा नहीं सुन सकते हो। इसलिए कृष्ण का जो भक्त लोग हैं, क्या ये कोई साधारण कोई जो गैया कोई साधारण नहीं, ये बैठ के नीचे आए हैं। कहते गरुड़ नारद नारदादी से गैया रूप धारण किए हुए, कृष्ण के जितने सखा बलदेव प्रभु का प्रकाश कृष्ण के प्रकाश है, पर यहाँ पर ये बेहोश कैसे हो गए। तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं वो केवल लीला, अभी वो नर लीला कर रहे हैं इसलिए दिखाने के लिए बेहोश हुए, नहीं तो थोड़ी तालियों में यहाँ भगा सकते थे। कृष्ण अमृतमय दृष्टि से उनको जिंदा किए, फिर उन्होंने बोले लगता है ये वृक्ष ऊपर में गरुड़ ने अमृत कलश रखा हुआ था, हो सकता है थोड़ा होगा, इसलिए कृष्ण किसी वृक्ष के ऊपर चढ़े। बोले भैया कृष्ण का चरण साधारण वृक्ष कोई प्राप्त थोड़ी कर सकते, लगता है जो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं। इसी लालसा से ये वृक्ष यहाँ पर, ये वृक्ष यहाँ पर खड़ा था। तो कृष्ण का चरण स्पर्श हुआ, कृष्ण कालियानाथ कालियाहृद में उन्होंने छलांग लगाई। कहते जो कालियाहृद है वो कोई यमुना नदी नहीं, यमुना के एक धार आ गया था, नहीं तो कहते नहीं तो पूरा के पूरा यमुना ही विषाक्त तो हो जाता है, लेकिन उसमें के धार आ गई थी। कृष्ण ने इतने जोर से छलांग लगाई, पानी स्वधनुष तक ऊपर में एकदम उछलते हुए चला गया। बोले कालिया कहाँ रहता था, कुछ कुछ लोग कहते काली और पानी को अंदर में नहीं, पानी को अंदर में नहीं, वहां पर एक टापू सा था, वो उसको एक गुफा को अंदर में कालिया रहता था, लेकिन जो पानी ऊपर उन्होंने छलांग लगाकर उठी, इतने में पानी उसकी गुफा में प्रवेश कर गया। इतने में कालिया ने जगा, देखा कृष्ण पानी में तैर रहे हैं। बोले भैया क्या ये कौन है, इसके ऊपर कोई चिड़िया भी नहीं जा सकता, आस पास कोई पेड़ नहीं, लेकिन ऐसे किसका शक्ति से तैर रहे हैं कौन। इतने में पत्नियों ने, वो कृष्ण भक्त थे, उनको समझाई करते थे देख कृष्ण को साथ में कोई बरी मत करना, ये भगवान। बोले हाँ भगवान, गैया को पीछे डोलता ही भगवान हो गया, वो मानता नहीं था। इतने में जब उसने कालिया ने कृष्ण को ऊपर आक्रमण की, कालिया ने कहा भैया देख पहले चांस तेरा है और दूसरा चांस मेरा है, ये मत समझो मेरे को मौका नहीं दिया, इसलिए दो कुछ करना तो कर ले। कृष्ण को एकदम लपेट लिया और कृष्ण के मर्म स्थान को उन्होंने दंशन की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ इधर क्या हुआ, ब्रज में तरह तरह का अपशकुन देखने को मिला। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं
क्या कृष्ण को कुछ उल्टा पुल्टा थोड़ी हो गया जो कि ब्रज में अपशकुन दिखाई पड़ा? बोले नहीं, कहते ये केवल जिस समय कृष्ण को कालिया ने पकड़ लिया, यहाँ पर जो कृष्ण के सखा लोग गैया लोग थे कृष्ण विरह में ये लोग व्याकुल हो गए, लेकिन केवल इनकी व्याकुलता वजह से ब्रज में कोई अनहोनी दिख रहा था। इतने में सारी ब्रजवासी भागते भागते आए कृष्ण का चरण चिन्ह देख करके, और यहाँ पर देखा काली कृष्ण को पकड़ करके रखा। जितने ब्रजवासी कृष्ण विरह में सब किसका प्राण त्याग करने जा रहे थे, लेकिन बलदेव प्रभु वहां पर थे। बलदेव प्रभु ने कहा कोई चिंता मत करो कृष्ण अभी अभी वापस आएंगे, अगर तुम लोग शरीर त्याग दोगे, जब कृष्ण वापस आएंगे फिर प्रेम किसको करोगे, कृष्ण को प्रेम कौन करेगा? इतने में श्री बलदेव प्रभु इशारा किया, बोले कन्हैया तुम कर रहे हो क्या? देख तेरे विरह में ये ब्रजवासी प्राण त्याग करने जा रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो ये ब्रजवासियों का प्रेम को देखो, कृष्ण विरह में प्राण त्याग करने जाते हैं। लेकिन द्वारकावासी जिस समय कृष्ण श्यामंत कमणि ढूंढने गए, कोई एक गुफा को अंदर में जामवान ले गया था, लेकिन कोई गए नहीं कृष्ण को साथ में, कृष्ण अकेले गए। बाद में कृष्ण को छोड़कर आ जाते हैं, कृष्ण को छोड़कर आ गए। इतने में कृष्ण इशारा किया, बोले दाऊ कृष्ण श्री बलदेव प्रभु कृष्ण को इशारा किया, बोले कृष्ण तू ये क्या कर रहे हो? ये एक मरे गरे एक सांप को साथ में तू क्रीड़ा कर रहे हो? अरे खेलना तो मेरे जो अंश स्वरूप श्री अनंत देव है, वो अनंत देव को साथ में खेलो ना, ये क्या मरे गरे के सांप को साथ में तू खेल रहे हो? देख तेरे विरह में सब प्राण त्याग करने जल्दी जल्दी आ। इतने में कृष्ण ने अपना शरीर को उन्हें बुलाया, जब उसको गांठ गांठ टूटना शुरू हुई, मेरे कृष्ण पतले होकर के निकल गए और कालियों के सर पर चढ़ करके उसका सौ फणा था, वो एक साथ में कृष्ण को काटना चाह रहा था, लेकिन कृष्ण सौ फणा को बचाते हुए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इतने में सारे देवता लोग आकाश मार्ग में सारे वाद्य यंत्र लेकर के आ गए और भगवान कृष्ण कालियों को स्वर्ग पर नृत्य कर रहे हैं और ये सबके सब वाद्य सब बजा रहे थे। इसलिए सूरदास जी बड़े सुंदर के पद गाते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नागव दुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, धन 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 का दिखा धन जन जन गंधर्व गाय, नाम 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 नारद मुनि भाव देत धारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी। शंकर जी सोच रहे हैं, पहले तो भैया मैं सोच रहा था मैं नट नट राज हूं, लेकिन कृष्ण दिखा रहे भैया बड़े बड़े नृत्यकार को देखे होंगे, कोई कलसी सर पर रखकर नृत्य करते हैं, कोई गिलास या के ऊपर, कोई सखी कोई रस्सी के ऊपर, लेकिन कभी देखे हो सांप के सर के ऊपर कोई नृत्य करने वाले? इसलिए यहाँ पर कृष्ण ये नृत्य विद्या क्यों दिखा रहे? कारण है इसको बाद में कृष्ण को रासलीला करना है, लेकिन रासलीला तो ब्रज गोपियों के बगैर कर ही नहीं सकते। मान ये ब्रज गोपियों को मैन को ये आकर्षण करने के लिए कृष्ण यहाँ पर उन्होंने कालियों को सर पर उन्हें नृत्य की, केवल उनकी मन को आकर्षण करने के लिए। जब एक एक ठोकर मार रहे थे, एक ठोकर मारते उसका मुंह से खून की उल्टी होने लग गई। इतने में उनकी जो पत्नियां दूर से देख रही थी, क्या देख रही थी? बोले एक में तो भक्ति करता नहीं और ये भक्ति हमें करने भी नहीं देता है। अरे जो पति भक्ति करने नहीं दे भैया, इसे पति रहना मर जाना तो बराबर है, ये मर जाए तो बढ़िया है, मर जाए तो बढ़िया। लेकिन जब देखा कृष्ण के चरण की ठोकर से खून की उल्टी होने लग गई और वो मन मन में शरणागत हो गए, बोले भैया ऐसे पति रहना सही है, क्यों? पत्नियां अबला है, हम देखने में सुंदरी है, अगर पति अगर कम उम्र मर जाएगा ना क्या होगा, फिर दूसरे व्यक्ति आकर के हमारे ऊपर में आक्रमण करेगा, बलात्कार करेगा, हमारी सती तो नष्ट हो जाएगी। इतने में तब यहाँ पर कहते हैं भैया कालिया तो इतना खल जाती,
जब इतना खाल जाती था तो उसके मन में भक्ति की भावना कैसे आई? बोले कारण है उनकी पत्नियां थी कृष्ण भक्त, बीच बीच में कृष्ण कथा सुनाया करते थे, इसलिए कथा सुनाने का वजह से उसके हृदय में भक्ति रूप जो बीज है ना वो बीज था। लेकिन जिस समय में कृष्ण का चरण स्पर्श हुई, जैसे कोई बंजारा कोई जमीनी हो, अगर कोई बीज बोगना पेड़ नहीं होगा, उसका हृदय से बंजार या बंजार थी, उसका हृदय शुष्क थी, निरस था, लेकिन कृष्ण का चरण स्पर्श होते ही वो पानी का काम किया, अंकुर, दो पत्ते, तेरे टहनिया, ए कृष्ण भक्ति लता पूरा पनपनाते हुए बढ़ गई। इसलिए भक्ति की भावना आई, मेरे पत्नियों ने कृष्ण को सुंदर, उन्होंने कृष्ण को स्तुति की, बोले हे प्रभु ये कालिया ने इसे कौन सा पुण्य किया था जिस चरण को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद बड़े बड़े देवता लोग भी प्रार्थना करते ही ये दुर्लभ चरण अब ये कालियों का सर पर रखा, हमारा पति को मारो मत, विधवा हो जाएगी, फिर हमारी बच्चे क्या करेंगे, इसलिए बच्चों को सामने रख करके आए। कृष्ण बोले मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी पति तुम लोग भक्त हो, इसकी अहंकार को दूर कर रहा था। बोले कालिया तू चले जाओ यहाँ से रमण के द्वीप में, बोले गरुड़ खा जाएगा, बोले कोई चिंता मत करो मेरा चरण स्पर्श हो वहां पर। कितने में कृष्ण को कालिया ने वो टापू को पर बैठा करके श्रृंगार किया, शरीर में अंगूर कर्पूर चंदन लगाया, कद एक मणि है मणि स्यमंतक मणि, कौन सा मणि है नहीं और कोई मणि है क्या और कौन है इस उनको पास में एक स्यमंतक मणि था, अरे को और कोई मणि है कौस्तुभ मणि, कहती ये कौस्तुभ मणि था, लेकिन शास्त्र कहता है भगवान को पहचानने का लक्षण क्या, बोले कौस्तुभम भगवतम अद्राक्षी, जिसको गले में कौस्तुभ मणि हो उसको ही भगवत स्वरूप मानो, ये भगवान की नित्य है। लेकिन ये कालियों को पास में था ये कौस्तुभ मणि, बोले कृष्ण को पास में क्यों नहीं था, बोले नहीं तो उनकी जो मधुर लीला नहीं हो सकता था उसको पास में था वो साधारण मणि मान करके उनको प्रदान की और उन्होंने कालियों को अपना किनारा पर छोड़ कर गए, ब्रजवासी कृष्ण को पा करके बड़े प्रसन्न हो गए। इसलिए यहाँ का जो सार है हमारे हृदय भी क्या है एक पवित्र स्थान है, लेकिन जैसे कालिया आकर के ये हरद को पूरा के पूरा दूषित कर दिया था, जिस उसका सब फण है कभी अनर्थ का भी अनंत अनंत इसकी फण है अनेक तरह का। इसलिए लेकिन कृष्ण जैसे काली हरद में कूदे, कालियों को यहाँ से भगा दिए, उनके चरण में ठोकर मार मार करके कृष्ण भी कभी हमारी हृदय रूपी हरद में छलांग लगाई और उन्होंने चरण की ठोकर से निकाल दे और हमें भी कृष्ण भक्ति मिले। बोल श्री कालिया का की, बोल श्री मदन मोहन लाल की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि 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 बोल। हम लोग अभी मदन मोहन दर्शन करने जा रहे हैं, मदन मोहन और सनातन गोस्वामी भजन को सुने प्रणाम करते हुए चलिए।